जो वचन में से देख रहे थे, जो कल हमने पढ़ा वो आयत कौन सा है, कल हमने पढ़ा वो आयत कौन सा था, एफेसी 5 का, जो मेन हमारा आयत कौन सा था, एफेसी 5 का 8 पढ़िएगा, एफेसी 5 का 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अभी प्रभु में क्या हो, ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति के संतान के समान चलो। हमने कल उसके बारे में थोड़ा कुछ देखे थे, आज भी देखेंगे, और परमेश्वर की मर्जी होती है कल भी हम लोग उसमें थोड़ा और मनन करेंगे। हम देखेंगे तुम अंधकार में है करके नहीं बता रहे, परमेश्वर की आत्मा क्या बोले, तुम क्या बन गए है, अंधकार थे करके परमेश्वर के आत्मा बने। हम देखे जब मनुष्य को परमेश्वर जब सृष्टि किया वो अंधकार नहीं था, परमेश्वर को कैसे बनाया था, अपने ही स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने उनको बनाया था। लेकिन मनुष्य पाप के अधीन हो जाने के कारण, जब पाप का गुलाम बनने के कारण वो क्या बन गया है, पूरा का पूरा क्या बन गया, अंधकार बन गया। उसके पास जो कोई आते वो भी क्या ही महसूस करते, अंधकार ही महसूस करते थे। वो अंधकार का वो जो डर उनको हमेशा क्या रहता था, उनके ऊपर जो मृत्यु का जो डर हमेशा इंसान के ऊपर लगे रहते थे। लेकिन हमने देखा है वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे अपना कार्य को, जो मनुष्य जिसके बड़ा अपना दिव्य योजना से परमेश्वर बनाए थे, वो मनुष्य जब अंधकार बन गया, परमेश्वर क्या नहीं किया, अपना सृष्टि को ऐसे छोड़ा नहीं है, परमेश्वर क्या कर दिया उनके लिए, उसको वापस लेने के लिए परमेश्वर अपना कार्य को क्या कर रहा है, करते जा रहे। ऐसे में हमने देखा परमेश्वर कैसे अब्राहम को चुना है ना, हम लोग का अब्राहम के देखे, उसके बाद में हम लोग किसको भी देखे, मूसा को देखे, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या भी दिया, अपना पवित्र क्या दे दिया, विधियों को लिख कर दे दिया। जिन हाथों से परमेश्वर मनुष्य को बनाए थे वही पवित्र हाथों से उस गिरा हुआ मनुष्य के लिए या अंधकार बना हुआ मनुष्य के लिए परमेश्वर क्या लिख के दे रहा है, अपना विधि लिख कर दे, लिख के देते वक्त भी परमेश्वर का मन के अंदर का तमन्ना क्या है। हमने कल पढ़े दे व्यवस्था विवरण का किताब में हमने पढ़े दे कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा क्या मूसा के द्वारा क्या बोले, जब आप ये विधियों के अनुसार चलोगे तुम क्या बनोगे, बुद्धिमान बनेंगे, और बाकी लोग आपको देखकर क्या बोलेंगे, ये जो लोग कितना धन्य है जिनके निकट कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। दुनिया के लिए एक ज्योति की तरह कौन बन सकता था, इज़राइली लोग आराम से बन सकते क्योंकि उनका बीच में किसका डेरा है, परमेश्वर का डेरा था या नहीं है, मिलापा तंबू में किसका महिमा रहता था, महिमा। दुनिया में एक ही मंदिर है, एक ही जगह है जिधर परमेश्वर का महिमा लिटरली या सचमुच में देखने लायक वो उसमें क्या करता, वो मिलापल तंबू में वास करते थे। और इज़राइल लोग गमंड से, गमंड मतलब वो जो उन लोग क्या करते थे, बोल सकते थे हमारा परमेश्वर हमारा साथ में है, उन लोग आराम से बोल सकते थे लोगों दुनिया को। और परमेश्वर उनका बीच में क्यों रहते, क्योंकि परमेश्वर का विधियों के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर चाहता था। लेकिन दुख की बात है कि जब इज़राइली लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को छोड़ दिया, अपना मनमर्जी जब चलने के लिए जब फैसला ले लिया, परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको अपना हालत में छोड़ दिया। छोड़ के आपको मालूम है परमेश्वर का महिमा भी उनको छोड़ के चले गया, परमेश्वर का महिमा वास करने वाला संदूक भी गायब हो गया, गायब हो गया। क्यों मैंने गायब जो शब्द क्यों बोला, आज तक किसी को नहीं मालूम है वो संदूक किधर है, किसी को भी नहीं मालूम है। आपको मालूम है इज़राइल में महायाजक रहते थे, महायाजकों को नहीं मालूम है, किसी महायाजक को मालूम नहीं, ना ही कोई राजा को मालूम है, अभी तक कोई राज्य का कोई दूसरा कोई राज्य का दुनिया का कोई भी व्यक्ति को आज तक ये पता नहीं है परमेश्वर का महिमा वास करने वाला वो संदूक किधर है। परमेश्वर ने खुद उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य क्या करना है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना। परमेश्वर दिया हुआ विधियों के अनुसार चलने के लिए जब मनुष्य को इच्छा नहीं है,
परमेश्वर फिर जबरदस्ती किसी का बीच में नहीं रहता है। परमेश्वर का आदत वो है। हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि हम अपने मनमर्जी करें, ठीक है हम तो बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम अपने मनमर्जी करेंगे तो परमेश्वर मेरा साथ में रहेंगे, मुझे क्या करेंगे आशीषें भी बहुत देंगे। ये हमारा भूल है। आशीषें परमेश्वर अकेला नहीं, कौन भी दे सकता है। ये दुनिया भी आपको मालूम है, बॉम्बे में वगैरह जाओ तो बड़े बड़े महलों में जो फिल्म एक्ट्रेस लोग वगैरह रहते हैं, और अमेरिका में वगैरह जो कहीं भी आप जाओ, परमेश्वर का भय मानना, प्रार्थना करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसका बिना भी आपको क्या मिल सकता है? आशीषें खूब मिल सकते, पैसा धन दौलत, क्योंकि ये सब किधर का है? इस पृथ्वी का आशीष है। ये सब ये पृथ्वी में ही क्या हो जाएंगे? कदम हो जाएंगे। इसलिए हम अच्छी तरह ध्यान रखना, परमेश्वर हमारा संग रहना है तो, परमेश्वर को उपस्थिति हम अनुभव करना है तो परमेश्वर एक ही बात चाहते हैं, मैं और आप किसके अनुसार चलना है? परमेश्वर का उस विधियों के अनुसार दिल से उसको प्रेम करना है। इसलिए हम देखते हैं, हम कल का दिन हम लोग मूसा के बारे में देखे, उसके बाद हम किसके बारे में भी देखा? दाऊद के बारे में, है ना? दाऊद के बारे में देखा नहीं देखा? और परमेश्वर का आत्मा स्वयं दाऊद के बारे में क्या गवाही दे रहे थे, उसके बारे में टेस्टिमनी क्या दे रहे थे? हम लोग है तो क्या बोलेंगे? हम लोग अपना नाम के आगे क्या लिखेंगे? मैं बीएससी बीएड हूँ, मैं एमएससी एमएड हूँ, है ना? हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा अपना अपना होता है ना। अब इसमें से कुछ लोग, अब जैसे कुछ भाई लोग अभी आईआईटी में पढ़ रहे, अपने आगे भी क्या करें, बड़ा मास्टर्स के डिग्री वगैरह लगा कर रखेंगे, लेकिन दाऊद के पास क्या नहीं है? अपना लिखने के लिए उसके पास कोई डिग्री है ही नहीं, क्योंकि वो कौन था? चरवाहा था। यही बोल सकते कि मुझे अच्छी तरह किसको चलाना आता है? बकरियों को चबेस, वही है उसका जो डिग्री। लेकिन स्वर्ग उसको क्या दे रहा है? उसके नाम के आगे क्या लिखा है? वो कौन सा आयत था आपको याद है? दूसरा सामवेल, हाँ पढ़ो, एक बार पढ़ो सब लोग, दूसरा सामवेल 23:1। ये क्यों बोला है? क्योंकि हमारा जीवन के बारे में, जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे या इधर ही पृथ्वी में ही, जैसे परमेश्वर को है ना घमंड था अब्राहम के ऊपर, ईसा के, इसलिए परमेश्वर में अब्राहम इसाक और परमेश्वर का, अब्राहम इसाक और याकूब का परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर को ये घमंड होना है कि बोलना कि मैं किसका परमेश्वर हूँ? इधर बैठे आप लोग सबका नाम लेकर बोलना है ना, ऐसे होना तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या भी करना पड़ेगा। दाऊद का परमेश्वर लिखता है ना, इसलिए हम लोग देखें दूसरा सामवेल 23:1 में, 23:1 पढ़िएगा। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं। दाऊद का अंतिम वचन ये है, यिशै के पुत्र की यह वाणी है। हाँ, यिशै के पुत्र का ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि वो किसका किसका वाणी है? वो पुरुष की वाणी है, जो ऊंचे पर खड़ा किया गया, जो किस क्या किया गया? ऊंचे पर, वो खुद नहीं खड़े हो गया, किसने खड़ा किया उसको? परमेश्वर ने उसको ऊंचा पर खड़ा किया। उसका अगला, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक, इधर लिखा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर का क्या है? अभिषेक किया परमेश्वर ने उनको, अभिषेक, अभिषेक किया मतलब क्या? उनको क्या किया था? अलग किया था, अपने लिए अलग किया। और आगे लिखा हुआ है, और इसराइल का मधुर भजन गाने वाला, इधर लिखा है कि इसराइल का मधुर भजन गाने वाला। परमेश्वर की आत्मा कितना स्पष्ट तौर पर गवाही दे रहा है। और आज हम देखते हैं कि जो मधुर भजन संगीत उन्होंने बहुत लिखा, लेकिन हम लोग उस भजन संगीता में हम लोग देखने वक्त पढ़िएगा, उसके साथ में हम लोग भजन संगीता 27:1 एक आयत हमने कल पढ़े थे, भजन संगीता 27:1 पढ़िएगा, भजन संगीता 27:1। ये मधुर संगीत भजन लिखने वाला ये दाऊद, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर उसको ऊंचा क्यों खड़ा किया है? ये इसका पीछे का कारण, उसका जीवन का पीछे का कारण क्या है? पढ़िएगा भजन संहिता 27:1 पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, हाँ, और मेरा उद्धार है। हाँ, इधर बस इतना काफी है। इधर लिखा है, इधर दाऊद भजन संहिता लिखते वक्त बताते हैं यहोवा मेरा क्या है? ज्योति। एक और बार पढ़िएगा 27:1 पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरा क्या है? ज्योति है। आपको मालूम है जब तक परमेश्वर हमारे ज्योति नहीं बनेंगे, हम सही रास्ता पर नहीं चले। कल हमने देखा है परमेश्वर की आत्मा क्या, एफएससी में क्या बोले, तुम क्या बन गए हो? अंधकार बन गए हो।
ये दाऊद भी उस कैटेगरी में आए नहीं आया आप बोलो, क्योंकि दुनिया में आदम के जितनी भी आदम से आए हुए संतान है वो सब के सब क्या है, पापी है या नहीं है? हर एक पापी है, सिर्फ एक ही है केवल जो पाप नहीं है, वो कौन है? यीशु मसीह। उसके अलावा जितने लोग आदम से आए वो सबके सब कौन है? पापी है। समझ में आना? अगर ऐसे है तो ये कैटेगरी में, ये अंधकार का कैटेगरी में कौन भी आ जाएगा? कौन भी आ जाएगा? ये भजन संहिता लिखने वाला दाऊद भी आ जाएगा। लेकिन दाऊद के बारे में स्वर्ग ने क्या किया है? गवाही दिया कि ये क्या ये मेरा अभिषिक्त है। ये क्यों? क्योंकि इधर लिखा है कि ये दाऊद क्या बोल रहा है, यहोवा मेरा क्या है? ज्योति है। यहोवा ज्योति बनकर एक व्यक्ति को चलाएंगे तो जो व्यक्ति अंधकार बन गया है वो व्यक्ति का जीवन से किसका प्रकाश दिखेगा? परमेश्वर का प्रकाश दिखेगा। आपको मालूम है भजन संहिता में सबसे लंबा भजन संहिता है 119 भजन संहिता है या नहीं है? 119 भजन संहिता किसने लिखा आपको मालूम है? किसने लिखा है? उसका ऊपर क्या नहीं आपको मालूम है? सारा भजन संहिता हम लोग जब पढ़ते वक्त जो लिखने वाला का नाम रहता है ना, लेकिन ये इसमें क्या नहीं है, किसका नाम नहीं है? लिखने वालों का नाम नहीं है। लेकिन इतिहास बताते हैं कि हम पढ़ते वक्त हमें मालूम है ये किसने लिखा हुआ है, प्रभु के दास मूसा ने लिखा। मूसा जब लिखते वक्त उसमें लिखा हुआ है 119 का 105 पढ़िएगा, 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, बस इधर लिखा है तेरा वचन मेरा पाँव के लिए क्या है? दीपक, और मेरा मार्ग के लिए क्या है? उज्जवल। हम अच्छी तरह ध्यान रखना, ये जो भजन संहिता लिखने वक्त उनके पास क्या नहीं था, ये पूरा बाइबल नहीं था उनका हाथ में। आज जैसे हमारा हाथ में एक अच्छा सुंदर बाइबल है जो अच्छा लेदर बाइंड है, उसको कुछ लोगों के पास गोल्डन वो भी लगाया हुआ है अच्छा, हमारे पास एक छोटा सा बाइबल हमारा हाथ में मिला 66 किताब इंक्लूड करने वाले ये जो बाइबल है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि ये जो इधर भजन संहिता लिखने वाले बताते हैं कि आपका परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए क्या है? दीपक है। पुराना नियम के संत लोगों के लिए दीपक बोलने के लिए पूरा बाइबल नहीं है उनके पास, उनके पास कितना ही है, सिर्फ जो पुराना नियम परमेश्वर दिया हुआ व्यवस्था है और पुराना नियम का कुछ किताबें है। ये जो पुराना नियम का ये जो व्यवस्था परमेश्वर ने जो उनको लिख कर दिया है वो विधिया उनके लिए क्या बन गया है? दीपक बन गया। और इधर लिखा है कि मेरा मार्ग के लिए क्या भी है, उनको जब अंधेरे में इनको मालूम नहीं है कैसे चलना है, किस किधर को अगला हमने कदम रखना है, किस दिशा में हमको जाना है करके, जब इनको मालूम नहीं थे, जब उन लोग कन्फ्यूशन में या उन लोग को पूरा का पूरा क्या होता था, एक परेशानी होते वक्त उन लोग किसको और देखते थे? उस परमेश्वर का वचन को जब देखते वक्त वो परमेश्वर का वचन या व्यवस्था उनको क्या देते थे, आगे जाने वाले कौन सा दिशा में जाना है करके उनको रास्ता दिखाते थे। इसलिए हम पुराने नियम का संत लोगों को जितने भी लोगों को देखिएगा, बेशक उनके पास हमारा जैसे बाइबल नहीं है तो भी ये जो वचन को इन लोग अपना हृदय में रखने के कारण, बाइबल नहीं है, पास्टर नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके साथ नहीं रहते, तो भी उन लोगों ने अपना जीवन में निर्णय लेने का जब समय आ गया, सही निर्णय लेकर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार महिमा के अनुसार आगे बढ़ता गया। इसलिए हम ये कल का दिन हम लोग दाऊद के बारे में देखा, आज हम एक ऐसा व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे कि जिसके परमेश्वर ने क्या नहीं किया, कभी बात नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति अपना जीवन में सही निर्णय लिया। उसके लिए हम निकाले एस्तेर की किताब। एस्तेर मालूम है ना? एस्तेर मालूम है कौन सा किताब के बाद एस्तेर आते हैं? आप बोलो कौन सा किताब? नहीं, कौन सा किताब के पहले आएंगे? भजन संहिता का पहले आएंगे बाद में आएंगे? बहन लोग बोलो, पहले पक्का है? हाँ ठीक है, निकाल दिए। एस्तेर का किताब 4 अध्याय उसका 13-14। एस्तेर
अय्यूब का ठीक पहले, जनसंहिता के पहले अय्यूब, अय्यूब के ठीक पहले एस्तेर आते हैं। जो बच्चे लोग नए नए आए हैं, अगर किसी को निकालने दिक्कत है उनके लिए है, भजन संहिता का पहले अय्यूब, उसके पहले एस्तेर आते हैं। एस्तेर चार अध्याय, उसका 13-14। लेकिन उसके पहले एक सवाल, एस्तेर का मतलब क्या है मालूम है किसी को? एस्तेर जो शब्द है, जो नाम है, उसका मतलब क्या है? किसी है? आप बता दीजिए कौन है? हाँ, बहन लोग को मालूम है किसके? बहन लोग कोई है एस्तेर नाम का? कोई है इधर? कोई है एस्तेर नाम का? कोई नहीं है। लेकिन एस्तेर नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा ना। एस्तेर का नाम का मतलब क्या है? तारा, यह सुबह का तारा बोलते हैं। लेकिन जो छोटा मुख्य तौर पर उसको क्या बोलते हैं? एस्तेर जो नाम का अर्थ है तारा है। एक तारा की तरह क्या किया है? चमका हुआ एक व्यक्ति है एस्तेर। जैसे नाम दा वैसे उनका काम भी हुआ, परमेश्वर इस्तेमाल किया। इसलिए हम एस्तेर के बारे में, अब क्योंकि बहुत बार हम क्या सोचते हैं, मूसा के बारे में सुनते हैं, यूसुफ के बारे में सुनते हैं, फिर हमारा, हम लड़कियों का मन में क्या आता है ना, लड़के लोग इधर बैठ के, वो तो सब लड़के थे इसलिए तो उन लोग ऐसे काम किया, मूसा भी किया, ठीक है हम लड़की है, हमारा काम क्या है? पढ़ाई लिखाई करना, घर के अंदर एक कोने में बैठना, थोड़ा पाउडर क्रीम लगाना, बस मर मिट के जाना, ये नहीं है जिंदगी। इसलिए हम किसके बारे में आज देखने जा रहे हैं? किसके बारे में देखने जा रहे हैं? एस्तेर के बारे में। एस्तेर अगर ऐसे किया है तो आप लोग क्या नहीं होना है? अगर एस्तेर कर सकता है तो लड़के लोगों को कोई बहाना है? बोलो, आप लोगों को कोई बहाना है? नहीं, नहीं। इसलिए आप लोग और ज़्यादा फंस जाओगे। इसलिए ठीक है, आज हम एस्तेर के बारे में देखेंगे। एस्तेर चार अध्याय, उसका 13-14 पढ़िएगा। एस्तेर चार का 13-14। तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा। हाँ, मोर्दकै ने यह कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया हो, मिल गया हो। बस इधर हम देखते हैं एस्तेर का कहानी, कितने लोगों को मालूम है एस्तेर का कहानी? बहुत लोगों को मना, कुछ कुछ लोगों को नहीं मालूम। थोड़ा सा जल्दी हम थोड़ा सा फिर क्या देखें। एस्तेर को माँ बाप था? वो क्या थी? माँ बाप के बिना एक लड़की थी, है ना? उसको कौन उनको संभाले दे? मोर्दकै, उनको चाचा ने उनको क्या किया है, उनको संभाला, उनको माँ बाप नहीं थे। लेकिन वो बेटी इतना अच्छी थी कि माँ बाप नहीं होते वक्त आपको मालूम बच्चे बिगड़ भी सकते माँ बाप के बिना लाड प्यार में। कभी मोर्दकै उनको बहुत प्यार करते थे, वो प्यार में वो बिगड़ भी सकती थी, अपना मनमर्जी कर सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं किया। वो एक अच्छी लड़की थी, अपना चाचा का बातों को मानती थी। और एस्तेर के बारे में परमेश्वर का वचन में ऐसा गवाही दिया है, उसका 2:20 पढ़ो, 2:20। एस्तेर 2:20। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तेर मोर्दकै की बात को बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। इधर बोलते हैं कि वो मोर्दकै अपना चाचा का बात को वैसे का वैसे क्या किया है, मान लिया। जैसे वो अभी एस्तेर किधर है? राजमहल में। राजमहल में होते वक्त भी वो ऐसे ही अपना चाचा का बात को मान दी, जैसे वो जो अपना उनका चाचा का घर में रहते वक्त जैसे उनका आज्ञा मानते थे, वैसे ही अभी इतना बड़ा पद में राजमहल में प्रभु ने उनको लेकर आ गया तो भी किसको दिक्कत नहीं है? एस्तेर को अपना अनपढ़ चाचा का, मतलब एस्तेर का तुलना में देखे तो क्या ज़्यादा पढ़ाई का तो है ही नहीं, वो मोर्दकै को आज्ञा मानने के लिए क्या नहीं उसको कोई दिक्कत है ही। बहुत बार हमारे जीवन में मालूम है क्या होता है, परमेश्वर हमें थोड़ा सा ऊंचा करते ही हम अपना क्या हो जाते हैं, हमारा जो रहने सहने का ढंग ही क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बहुत बार है ना, अभी खास करके नौजवान लोग, हमको थोड़ा सा क्या हो गया, पढ़ना लिखना आ गया, थोड़ा कुछ हमें स्कूल में हम लोग गया, कॉलेज में गया, हमें थोड़ा इंग्लिश भी आ गया, फिर उसके बाद हमको मोबाइल चलाना आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया, तो फिर हम सोचते दुनिया में मेरा जैसा अगर और कोई है ही
बस हम ऊंचे ऊंचे क्या करते रहते हैं, स्वप्न देखे उड़ते, फिर माँ बाप को, माँ बाप ये बोलना ठीक नहीं है, वो बोलना ठीक नहीं है, माँ बाप का कंगी करना ठीक नहीं है, है ना। कितने बार हमारे जीवन में होते हैं, आपको मालूम हो गई कहानी, आप लोग में से कितने लोग सुने मुझे, असली में हुआ हुआ घटना है। एक बार एक सुंदर लड़की थी, वो लड़की को पापा नहीं थे, उसका मम्मी थी और वो गांव में रहने वाली लड़की थी। उनका मम्मी, उसको बड़ा नौकरी नहीं था उसका मम्मी के पास, वो मम्मी क्या करती थी उनको अपन ये जो जंगल है, जंगल में से लकड़ी वगैरह बीन कर उसको बेचकर वो बेटी का देखभाल करती थी। लेकिन माँ बहुत काली सी कुछ अजीब शक्ल की थी, ये बेटी तो देखने के लिए बड़ी ही सुंदर है, इसलिए माँ हमेशा, माँ पूरा प्यार करते तो भी ये बेटी को क्या नहीं होता था, माँ का इतना दिल से क्या नहीं करती थी, वो प्यार नहीं करती थी, मतलब उसके अंदर यह था कि बाकी लोग जब बाद में वो स्कूल में जाने लगे, कॉलेज में जाने लगे, तो उसको शर्म आते थे कि दूसरों के सामने बताने के लिए ये मेरी माँ है, क्योंकि बाकी सब लोगों का माँ वगैरह बहुत अच्छे है, इसको ऐसा लगता था कि मेरा माँ को मैं उनका लोगों के सामने लेके जाएंगे तो उन लोग क्या बोलेंगे, उन लोग यही सोचेंगे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ लेकिन मेरी माँ तो बहुत काली सी है। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, वो अपने माँ से बोले मम्मी ये काम कर दो, आगे से मैं क्या नहीं करेंगे, आपके साथ रह नहीं सकते, मुझे शहर में रहना है, मैं आपको शहर में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि उधर तो सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बीच में रहते वक्त मैं आपके साथ रह नहीं सकती, इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद वो बेटी गाँव शहर में रहने लग गया, माँ गाँव में ही रही, और कुछ दिनों के बाद उनको ऐसे खबर आ गया कि माँ का तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन वो लड़की के अंदर इतना इच्छा भी नहीं था कि जाकर एक बार माँ को मिलो, लेकिन वो गई नहीं, और माँ उधर ही क्या हो गया, अपने घर में ही अपना दम तोड़ दिया, माँ मर गए। कुछ दिनों के बाद वो वापस घर में आ गए तो माँ ने क्या कर दिया, माँ ने लिखा हुआ एक चिट्ठी वो बेटी को मिला, वो चिट्ठी में उसने ऐसे लिखा हुआ था, बेटी आप तो बहुत बार बोलते थे कि माँ आप तो खूबसूरत नहीं है, आप तो मेरा जो खूबसूरती का तुलना में आप तो बदसूरत है, इसलिए मैं आपके साथ रह नहीं सकते, मुझे बाकियों के सामने आप मेरी माँ है बोलने के लिए मुझे शर्म आते हैं, लेकिन मैंने एक सच्चाई को मैंने आपके सामने कभी नहीं बोला, वो सच्चाई क्या है, जब इन लोग उस छोटे से घर में माँ बाप और ये छोटा लड़की रहते वक्त एक दिन ऐसा हो गया, घर को आग लग गया, बहुत बुरी तरीके से आग लग गया, को बाप ने आग में ही उनका क्या हो गया, दम टूट गया, लेकिन ये माँ ने अपने बेटी को बचाने के लिए अपने कपड़े के अंदर ही बेटी को क्या कर दिया, लपेट कर उस आग के बीच में से कूद कर जब बाहर आ गया, बेटी तो अच्छा होकर, बेटी के ऊपर क्या नहीं आ गया, कोई आंच नहीं आया, लेकिन माँ के ऊपर पूरा आग ने क्या कर दिया, अपना जो चिन्ह छोड़ दिया, तो माँ पूरा जलकर उसका रंग खूबसूरती पूरा का पूरा चले गया। लेकिन माँ कभी भी ये कहानी किसको नहीं बताई दे, अपना बेटी को नहीं बताई थी। बाद में जब ये बेटी को मालूम चला कि मुझे जो मिला हुआ खूबसूरती किसके कारण है, मेरी माँ ने अपना खूबसूरती को क्या कर दिया, बलिदान करने के कारण मुझे क्या मिला है, एक खूबसूरती, लेकिन देर हो चुकी थी, वो बेटी फूट फूट कर रोई, लेकिन उसको कभी भी क्या नहीं मिला, वो अवसर नहीं मिला कि अपना माँ से क्या करने के लिए, उनका माफ़ी मांगने के लिए। बहुत बार हम अपने जीवन में भी, हमारा माँ बाप चाहिए तो अच्छा पढ़ लिख कर आप उनको जो मिलने वाला पैसा और यो जो सब कुछ उन लोग अपने लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन आप लोग देखे होंगे माँ बाप क्या करते, आज भी आप लोग बहुत, आप लोगों का पापा मम्मी का भी आप लोग देख सकते हैं, उन लोग क्या करते होंगे, छोटे छोटे है ना, पुराना जो फ़ोन नहीं होता है वो जो ये नंबर दबाने वाले है ना, नंबर दबाने वाले फ़ोन उनके पास होते होंगे, कुछ लोगों के पास फ़ोन भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, अपना बच्चे के लिए क्या कर दे देंगे, आप लोगों के लिए, आप लोग इधर बैठे हुए लोगों को मालूम होगा, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा फ़ोन खरीद के देते हैं, और कपड़ा उन लोग फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते हैं, लेकिन आप लोग के लिए क्या देते हैं, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कपड़ा खरीद के देते हैं। ये सब उन लोग क्यों करते हैं, उन लोग अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए सुख ना रखते हुए, अपना सुख सब त्यागते हुए, आपको प्यार करते हुए, आपके लिए जब इतना करते वक्त, आप एक प्रभु का बच्चा होते वक्त आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, जितना प्रभु आपको ऊंचा करते हैं उतना आप क्या भी रहना है, नम्र भी रहना है। पिछले साल युद्ध क्या में हमने देखा था कि
आपको मालूम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में जब आया है, मनुष्य का रूप धारण करके कौन सा काम करते थे? आप बोलो, कौन सा काम करते थे? बढ़ाई का काम करते, कारपेंटर का काम किया? नहीं किया, यीशु ने कारपेंटर का काम किया। और हमको मालूम है यूसुफ का शायद मौत हुए होंगे, इसलिए यूसुफ के बारे में ज़्यादा कुछ क्या नहीं करते, वचन में बताते नहीं है। लेकिन मरियम और मरियम का बाकी बच्चे भी दे, मरियम और यूसुफ का बाकी बच्चे भी दे, 30 साल तक, कितने साल तक? 30 साल तक यीशु क्या किया? अपना घर में रहकर, वो उनका अधीन, माँ बाप के अधीन में रहकर काम करके अपने परिवार को संभाला, नहीं संभाला, क्योंकि व्यवस्था जब देते को परमेश्वर बोले देखी बच्चे को क्या करना है। अगर परमेश्वर का सेवगाई के लिए भी मंदिर में जाना है तो परमेश्वर ने क्या बोला? 30 साल तक किधर सेवा करना है? अपने माँ बाप का सेवा करना है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आकर मेरे लिए आपके लिए नमूना छोड़ दिया तो 30 साल काम करना अकेला नहीं। आपको मालूम है जब क्रूस में जब लटक रहे थे उस समय भी यीशु ने मरियम को किसका हाथ में सौंप दिया? किसका हाथ में सौंप के चले गया था? योहन्ना का हाथ में सौंप कर चले। मरियम को बेशक बाकी बच्चे लोग हैं तो भी वो उस समय में भी जो जाने के पहले भी अपना जो जिम्मेदारी है वो यीशु मसीह ने क्या किया है? पूरा करके चले गया। तो मैं और आप, हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, हम कितने भी ऊंचे स्थान में भी जाए, हमें जन्म दिया हुआ माँ बाप और हमारे लिए इतना कष्ट उठाए माँ बाप को, हमने क्या नहीं करना? भूलना नहीं। हो सकते आप में से कुछ लोग घर में से अकेले विश्वास में आए होंगे, ठीक है, उन लोग बोलने वाला बाकी बातों का, मेरा विश्वास का विरुद्ध का कोई बातों को मैं क्या नहीं करता, उनका बात मानते नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ले आपका माँ बाप का सेवा करना आपका कर्तव्य है, तभी आप उनके सामने क्या बनोगे? ज्योति बन सकते हो। इधर हम देखते, इधर हम वापस हम एस्तेर का उसमें आएंगे। एस्तेर जो माँ बाप के बिना जो चाचा के साथ रहने वाली बेटी थी, उसको बाद में परमेश्वर ने ऐसा काम किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज्ञा है कि अन्य जातियों के साथ तुम क्या नहीं करना, मिलना जुलना। परमेश्वर ने बोला नहीं बोला था? आप बोलो, बोला नहीं बोला? जब इज़राइल लोगों को क्या दिया? व्यवस्था दिया था। परमेश्वर ने क्या किया है? आदेश दिया था कि व्यवस्था में बोला है कि आप लोग क्या नहीं करना, अन्य जाति लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं। लेकिन उस समय इसराइलियों को जब हालात जरा देखे, मंदिर नहीं है, मंदिर का आराधना भी सब खत्म हो गया, क्योंकि राजा आकर बैबिलोन का जो साम्राज्य ने आकर इसराइल को पूरा बर्बाद कर दिया, उधर राजा भी ने, राजा जो था उसको भी गुलामी में लेके चले गया, पूरा अंधेरा भरा हुआ एक हालत है इसराइल में, कोई आशा है ही नहीं। जितने जो थे इसराइली लोग जो हटे तगड़े थोड़ा कुछ काम करने लायक, उन सबको पकड़ के गुलाम के तौर पर किधर लेके चले गया? बैबिलोन में लेके गया। इसराइल में थोड़ा कुछ जो बचे कुचे लोग थे वो कमजोर थे, कोई काम करने लायक है ही नहीं। ऐसे कुछ लोगों को इसराइल में जो कनान देश में छोड़ के ये जो बैबिलोन का राजा ने क्या कर दिया, अच्छे वाले सबको पकड़ के किधर लेके चले गया? गुलामी में लेके गया। उसके बाद हम देखते हैं इधर जो मेदी पर्शिया के जो राजा जब आते वक्त, आपको मालूम है इधर इतना जब आगे अंधेरे भरे हुए रास्ते में पूरा इसराइल का जो इतिहास हम देखेंगे तो ज्योति का कोई क्या नहीं है, या रोशनी का कोई आशा है, कहीं दिख भी नहीं रहे। ऐसे समय में परमेश्वर अपना एक बेटी को अंधकार से पूरा भरा हुआ एक महल में लेके जा रहा है। मैं आप लोगों का वो ध्यान, आप लोगों का, आप सबका ध्यान मैं चाहती हूँ, आप लोग उस बात को अच्छी तरह मनन करें, अच्छी तरह ध्यान रखना। इज़राइल पूरा क्या है? अंधकार में है या नहीं है? पूरा इज़राइल में अंधकार भरा हुआ है। परमेश्वर का मंदिर में क्या नहीं है? कोई आराधना नहीं चल रहा है, उधर कोई है ही नहीं, महायाजक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अंधेरा भरा हुआ एक समय में जब लोगों को सब गुलामी कर रहे, किधर में? बाबिलोन में गुलामी करते वक्त उनमें से परमेश्वर, जैसे प्रभु के दास सुबह का सेशन में, कल का सेशन में दिखाया,
बहुत तेरे लोग हैं, उसमें से परमेश्वर का नजर किसके ऊपर पड़ रहा है? एक एस्तेर के ऊपर पड़ रहा है। परमेश्वर स्वर्ग को एस्तेर के ऊपर इतना भरोसा था, परमेश्वर ने उस एस्तेर को उठाकर अन्य जाति लोगों के बीच में लेकर जा रहा है। आप लोग इस बात का गंभीरता समझने के लिए प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो प्रभु आपको सहायता करेंगे। बहुत बार हम क्या होते हैं, हमको परमेश्वर के ऊपर बहुत भरोसा रहता है। मुझे और आपको भरोसा है या नहीं है, आप बोलो, भरोसा है? लेकिन दुख की बात यह है कि परमेश्वर को हमारे ऊपर क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अब्राहम की तरह मुझे भी क्या बनना है, मुझे भी अच्छा बनना है। अब आज दुनिया भर के लोग किसको जानते हैं, अब्राहम को जानते हैं, है ना, यूसुफ को जानते हैं, मूसा को जानते हैं, और कौन कौन है, और कौन कौन है, दाऊद को जानते हैं, है या नहीं है? और हम बहन लोगों में देखें तो रूद को सारी दुनिया जानते हैं, जानते नहीं जानते, रूद को जानते हैं। फिर कौन है बहन लोग में, कौन कौन है, अभी एस्तेर हो गया, और कौन कौन है, हाँ देबोरा है, फिर उसके बाद कौन है, हन्ना है, है ना, बहुत कुछ बहन लोगों को बारे, भाई लोग, बहन लोग, बर्तनों को हम देखते हैं, हम चाहते हैं उनकी तरह बनने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको अपना काम के लिए हाथ में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग को हमारे ऊपर क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर समझ लो, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि अपने बेटे को ले जाकर क्या करो, क्या करने के लिए, अपने बेटे को क्या करना है, बलि चढ़ाना। अगर आपसे इधर बैठे हुए अगर आप लोग एक एक से अगर परमेश्वर ऐसे बोलते, आप लोग करेंगे, करेंगे आप लोग? आप में से कितने लोग उस काम को करेंगे? हम में से एक भी नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर हमसे बोलते भी नहीं है। परमेश्वर को पूरा, स्वर्ग को पूरा भरोसा था कि अगर मैं अब्राहम से बोलेंगे तो वो जरूर, क्योंकि सर्वज्ञानी परमेश्वर को अपना सर्वज्ञान में मालूम है, ये जो अब्राहम मुझे दिल से क्या करता है, प्यार करने का, अगर मैं उसको बोलेंगे तो मैं वो जरूर क्या करेंगे, मेरा आज्ञा को मानेंगे, है ना। ऐसे हम इधर एस्तेर को देखते हैं, परमेश्वर ने स्वयं आज्ञा दिया था कि अन्य जाति के साथ क्या नहीं करना, मिलना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वो इज़राइल का झुंड में से एक एस्तेर को उठाकर किधर लेके चले गया, राजमहल में लेके चले गया। और आपको मालूम है वो उधर का रानी, पूरा कहानी में नहीं जाएंगे, पूरा उधर का रानी भी बन गए। रानी बनने के बाद वो अपना आराम से अपना ज़िंदगी बिता सकती है आराम से, क्योंकि बाकी लोग सब अपना गुलामी में, आपको मालूम उधर रहना बहुत, गुलामी में रहना बहुत मुश्किल होता है, ये जो आपको इज़राइल कहानी भी आपको मालूम है। लेकिन एस्तेर को जब ऐसे मौका जब मिला अच्छा जीवन बिताने के लिए, रानी भी बन गए, सब कुछ हो गया, तो एक दिन ऐसे घटना हुआ, मर्दकाई का क्या हो गया, मार डालने का आदेश आ गया। उस समय चाहिए तो वो क्या कर सकती है, अपना जान बचाने के लिए, ठीक है मर्दकाई को तो मेरे चाचा का ही तो होना है, कोई रहन कोई बात नहीं, रहन तो चाचा कुछ भी करना, मुझे कोई मतलब नहीं, अपना जान वो क्या कर सकती थी, बचा सकती। लेकिन इधर मर्दकाई इधर जो बात बोल रहा है, ये जो एस्तेर से, उसको एक और बार पढ़िएगा, उसका 4:13-14 पढ़िएगा। तब मर्दकाई ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, सब यहूदियों में से क्या करूंगी, बची रहूंगी। और आगे लिखा है, पढ़िए उसका आप लोग, जब एस्तेर को जब ये बात जब बताई, मर्दकाई क्या सोच रहे थे, शायद इनके अंदर एक विचार आया होगा, मैं दूसरों से क्या है, अलग है, मैं अपना ज़िंदगी अच्छे से बिताऊंगी। लेकिन आपको मालूम है ये बातें जब मर्दकाई जब बोल दिया है, एस्तेर एक अच्छा जवाब दे रही है, पढ़िएगा उसका 16 पढ़िएगा, उसका 15 भी पढ़िए, 15 से पढ़िए। तब एस्तेर ने मर्दकाई के पास ये कहला भेजा, तब एस्तेर ने मर्दकाई के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। बोले कि मेरे निमित्त तुम लोग क्या करो, उपवास करो। आगे
तीन दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। इधर क्या बोल रही है एस्तेर, क्या बोल रही है एस्तेर का वो जो जवाब से हमें मालूम चलेगा, एस्तेर को मालूम बेशक मैं इधर आ गई है तो भी अगर दुनियावी तौर पर मेरे पास सब कुछ है तो भी मेरा सहारा किधर कौन ही है, केवल परमेश्वर ही है। इसलिए क्या वो क्या बोल रही है, इज़राइल के बचाव के लिए आप सब क्या करो, उपवास करो, क्योंकि परमेश्वर बार बार यरमिया के द्वारा भी बोलते हैं, हे इज़राइल लोग अपना मन फिराओ, उपवास करो, तुम्हारा बचाव उसी दीदी में ही आएगा। वो बात, वो जो परमेश्वर बोला वो वचन किसके अंदर है, एस्तेर के मन में होने का एस्तेर को मालूम है। अगर हम अपना परमेश्वर का सम्मुख उपवास लेकर अगर हम गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, रास्ता खोल कर दे सकता है। ये एस्तेर का जीवन को जरा देखिएगा, बेशक वो राजमहल में आई तो भी अपना जो उधर का उस समय का जो राजमहल का जो माहौल में वो गुल नहीं मिली है। बहुत बार हमारे जीवन में क्या होता है, अभी बहुत तेरे हमारा नौजवान है, मैं बोलने का ना आप लोगों को बुरा नहीं लगना, हमारा बहुत तेरे लोगों को ऐसा देखा है कि हम कॉलेज पिछले दिनों में हम एक बेटी को मिले, एक बेटी एक को मिले और उनका जो ड्रेस का फैशन भी सब अलग हो गया और सुनने में आया कि वो बीच में थोड़ा जेवर भी पहनने लगे। तो किसी ने उनको पूछा, आपने ये सब एक विश्वासी है, आप क्यों ऐसे कर रहे, तब मालूम है उनका मम्मी ने क्या जवाब दिया था, वो बता रहे कि आपको मालूम है मेरा बेटी है ना कॉलेज में बहुत बड़े बड़े घराने के लोगों के साथ क्या करते हैं, पढ़ाई करती है, तो उनके सामने मेरा बेटी अगर ये कुछ भी ना पहनते हुए सिंपल ड्रेस में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अच्छा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उन कलीसिया में तो आएंगे तो हम सब तो अच्छे, हमारा बीच में तो अच्छा बनकर जैसे कलीसिया के लोग वैसे रहेंगे, लेकिन दुनिया में जाते वक्त कॉलेज में जाते वक्त उस माहौल में कि अच्छा थोड़ा ऊंचा पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा इंजीनियरिंग के लिए करते वक्त उनको लग रहा है कि ऐसे घराने के लोग, अच्छे घराने के बच्चों के साथ सीधा मैं उनकी तरह बनना है, ये सुनकर बहुत दुख लग गया। ये क्यों वो बेटी के अंदर वो इच्छा ऐसे आ गया, वो माँ के अंदर भी इच्छा क्यों आ गया, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है, प्रेम है ही नहीं। आप भी अपना जीवन में जरा देखें, आप लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग नौकरी, कुछ आप में से कुछ लोग नौकरी करते, बहुत बार ऐसे होते जब तक हमको नौकरी नहीं है, जब तक हम पढ़े लिखे नहीं है, हम घर में ही रहेंगे, हम लोग क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सिंबल तौर पर रहेंगे, हमारा चाल चलन भी सिंबल रहेगा, हमारा उठना बैठना भी सिंबल रहेगा, सब कुछ में हम सिंबल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा बाकी अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ या अच्छे लोगों के बीच में जब जाते वक्त हम भी उनकी तरह बनने के लिए क्या करते हैं, शुरू हो जाते। लेकिन आप लोग ये मेरी ये बात को गलत नहीं समझना, हम बड़े लोगों के पास जाते वक्त ये नहीं कि हम लोग फट्टा पुराना कपड़ा पहन के घूमते रहेंगे और ऐसे नहीं करना, प्रभु का नाम बदनाम करने के लिए मैं नहीं बोले, मैं आपको क्या बोले, बहुत बार हम उनकी तरह बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम उनकी तरह, अगर हम अपना बाहरी तौर पर हमारा खूबसूरती नहीं बढ़ाएंगे तो है ना, हमारा बाल कटिंग भी है ना, हम लोग सोचते हैं आजकल का नौजवानों का बाल कटिंग, हम कलीसिया में जा रहे थे, कुछ कुछ कलीसिया में जाते कर नौजवानों का बाल कटिंग देखकर ही कुछ अजीब सा लग रहा था, ये तो हम लोग बॉम्बे में गया तो बॉम्बे में रहने वाले बच्चे लोग, आपको मालूम है बॉम्बे किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, बॉलीवुड के लिए फेमस है या नहीं है, बॉम्बे में हमारे विश्वासी बच्चे लोगों का बाल फिर भी ठीक था, लेकिन पंजाब में आया तो क्या हो गया, मुझे लग रहा है वो बॉम्बे का फैशन कूद कर किधर आ गया, बॉम्बे से भी पार होकर किधर आ गया, पंजाब में आ गया। हमारा बाल का स्टाइल देख कर ही हमको, हमको मन में सोचो प्रभु ये फिर बाद में आगे क्या हो जाएगा, लड़की लोग है तो भी हम इधर, आप लोग इधर बैठे हैं अच्छी तरह ध्यान रखना, मेरा एक जिंदगी है, मैं अगर रोशनी बनकर अगर चमकना है तो मैं दूसरों से क्या रहना है, भिन्न रहना है, बाकी लोग अंधेरे हैं
अगर मैं भी उनकी तरह बन जाएंगे तो मैं भी अंधेरा ही बन जाएंगे, कभी चमक नहीं पाएंगे। परमेश्वर का रोशनी मेरे जिंदगी में कभी दिखेगा ही नहीं। इधर हम एस्तेर के बारे में देते, बेशक राजमहल में गई तो भी वो क्या बोल रही है, राजमहल में ये किसी को बताए नहीं कि मैं यहूदी हूँ, बोलिए क्या, किसी को नहीं बताया, किसी को मालूम नहीं यहूदी है करके, लेकिन वो क्या बोल रही है, मैं अकेला नहीं, वो क्या बोल रही है, मैं अपना किसको भी करेंगे, पढ़िएगा उसका 16 पढ़िएगा, वो क्या बोल रहे, उपवास मैं अकेली नहीं ले लूंगी, फिर कौन भी ले लेंगे, पढ़िएगा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ, और 3 दिन क्या नहीं करना, दिन और रात क्या नहीं करना, ना तो कुछ भी नहीं खाना, आगे, और ना कुछ पियो, कुछ भी नहीं पीना, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, मैं भी अपनी सहेलियों सहित, ध्यान रखना उधर उसको कोई यहूदी सहेली है क्या उस महल में, इनका सहेली सब कौन है, उधर का अन्य जाति लोग है, लेकिन ये क्या बोल रहे, मैं अपनी सहेलियों के समेत हम लोग क्या करें, हम भी उपवास में बैठे, तब हमको मालूम चल सकते एस्तेर उधर आकर ज़्यादा देर नहीं हुई, फिर भी एस्तेर का जीवन बाकियों के ऊपर कुछ प्रभाव छोड़ा है, तभी एस्तेर बोल रही है मैं अपने सहेलियों के साथ क्या करूँगी, उपवास, अगर उन क्या एस्तेर को मालूम है, अगर मैं अपना सहेलियों से बोलेंगे हम उपवास करें बोले तो उन लोग जरूर मेरे बातों को मानेंगे, उन लोग और कुछ नहीं पूछेंगे कि उनको किसके ऊपर भरोसा है, ये प्रभु का भय मानने वाला, ये एस्तेर के ऊपर क्या है, पूरा भरोसा है। हम अच्छी तरह ध्यान, आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जिस दुकान में काम करते हैं, अच्छी तरह कंपनी में आप लोग काम करते हैं, आप लोग बहुत पैसा मेहनत करके आप लोग कमाते, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना आपने आपके साथ वाले लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ना है, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना है। जब तक हमें अच्छा नौकरी नहीं मिले तब तक हम लोग सिंबल रहेंगे, लेकिन नौकरी मिल गया तो हम में और अन्य जाति में कोई फर्क है ही नहीं है, इसलिए प्रभु हमें क्या कर देते, अपने हाल में छोड़ देते। मैंने जैसे पहले बोला, स्वर्ग को एस्तेर के ऊपर भरोसा होने के कारण स्वर्ग ने एस्तेर को उठाकर महल में ले गया, क्योंकि सर्वज्ञानी परमेश्वर को मालूम है मैं एस्तेर को महल में ले जाएंगे तो भी वो महल के साथ क्या नहीं करेंगे, घुलेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर अपना योजना के अनुसार अपना दिव्य काम में एक बर्तन की तरह किसको हाथ में ले रहा है। अगर मैं और आपको इधर जो बैठे हैं, हमें भी अगर परमेश्वर अपना हाथ में मूसा की तरह, यूसुफ की तरह, अब्राहम की तरह अगर इस्तेमाल करना है, एस्तेर की तरह अगर इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में ये होना, मैं परमेश्वर में क्या हूँ, ज्योति हूँ, मुझे दूसरों की तरह क्या नहीं होना है, रहना नहीं, मैं उनसे भिन्न हूँ। वो एक बात अगर आपको मालूम, मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ करके, अगर वो बात, वो विश्वास की बात अगर आपको मालूम है तो ही परमेश्वर आपको अपना काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि काम का मतलब परमेश्वर आपको पास्टर का सेवा के लिए बुलाएंगे, पास्टर नहीं बने तो भी आप लोग जिस जगह में रहते उधर परमेश्वर का ज्योति आपके द्वारा चमक कर, अगर एक आत्मा भी अगर विश्वास में आ गया तो स्वर्ग खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है पूरा दुनिया से कीमती है क्या है? एक आत्मा। इसलिए आपका यही ये होना, प्रभु आपने मुझे एक जिंदगी दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके लिए खड़े होने के लिए आप मुझे क्या करना, सहायता करना, कॉलेज में काम करने वाले जगह में, आप लोग लड़की लोग तो भी जिधर कहीं भी आप जाते हो, परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन में क्या होना है, चमकना जरूरी है। ये परमेश्वर एस्तेर को जब इस्तेमाल किया, आपको मालूम है आगे का पूरा कहानी हम नहीं देख रहे, इस्तेमाल करते वक्त इन्होंने क्या बोल रहे हैं, जैसे परमेश्वर का व्यवस्था में लिखा है हम सब मिलकर क्या करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में जाकर
रोएंगे, हम उपवास लेके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का क्या भी देंगे, जवाब भी देंगे, और वो अपने जान को खतरे में डालते हुए अपने लोगों के लिए राजा के सामने बिंदी करने के लिए किधर चले गया, राजा के सम्मुख चले गया। जब वो अपना विश्वास में खड़ा रहा, परमेश्वर स्वर्ग वो कार्य को क्या भी किया, पूरा भी किया है। ये क्यों मैं इसे कर सका, बेशक आप अच्छी तरह ध्यान देना, एस्तेर के साथ में कोई भी नहीं है, कोई विश्वासी प्रार्थना साथ में प्रार्थना करने के लिए कोई विश्वासी बहन भी नहीं, अकेली है। एस्तेर चाहिए तो अपना मनमर्जी से कुछ भी कर सकती थी। मर्दकाई अपना चाचा है, लेकिन चाचा भी आकर इनको क्या नहीं करते, ज़्यादा इनके साथ ये नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनको मालूम चल जाएगा यहूदी लड़की है, उनके इनका जान का खतरा है। इसलिए एस्तेर अकेले, जैसे मूसा वो राजमहल में रहने के बावजूद भी जब समय आगे आते वक्त मूसा ने क्या निर्णय ले लिया, मुझे क्या नहीं चाहिए, ये राजमहल का कोई खुशी नहीं चाहिए। जैसे मूसा ने निर्णय लिया, वैसे ही परमेश्वर के लिए उस प्रेम में खड़े होने के लिए कौन भी तैयार हो गया, एस्तेर भी तैयार हो गया। आपको मालूम है एस्तेर के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलों के लिए क्या भी दे दिया, छुटकारा भी दे दिया। ये छुटकारा मिले के, वो बात वो हम पूरा कहानी आप लोग बाद में एस्तेर के बारे में आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। इधर वो जो मर्दकाई जो बात बोलने के लिए ये 14 में एक बात बोलते हैं, वो हम देखेंगे। 14 पढ़िएगा, उसका 4:14 पढ़िएगा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा, और कोई उपाय से तो परमेश्वर यहूदियों का क्या करेगा, छुटकारा करेगा, आगे छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय, आखिर इधर लिखा है क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए, ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो, राजपद मिल गया। अच्छी तरह ध्यान रखना, लिखा क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, राजपद दिया है। लेकिन गलती क्या हो, एस्तेर तो ठीक है, परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जमारी पे किया, लेकिन हमारे जीवन में क्या है, हमें राजपद मिलने के जरूरत ही नहीं, उसके पहले ही हम क्या हो जाते, पूरा का पूरा ही शू हो जाते है ना। हो सकते इधर बैठे हुए आप लोगों को प्रभु अपना योजना के अनुसार ऊंचे ऊंचे जगह में लेके जाएंगे, आप लोग पढ़ लिख कर, यानी कि सब सेवा में निकले, आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, प्रभु आपको अच्छा नौकरी भी देंगे। हम यही प्रार्थना करते, आप में से कुछ लोग मिशनरी की तौर पर किधर भी जाना है, कनाडा में भी जाकर, कनाडा, अमेरिका, दुनिया भर इतने देश है, आप लोग उधर जाकर क्या कर सकते हैं, प्रभु का ज्योति फैला सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होते है मालूम है, परमेश्वर इधर से हमें उठाकर कनाडा में, अगर अमेरिका में ले जाने का बस देरी ही है, हम अमेरिकन बन जाते हैं। हम क्या है, पिछले बार हमारे उधर एक भाई था, वो भाई हम लोग जब पहली पिछले बार जब हम लोग गए तो वो भाई नया नया कनाडा में आए हुए थे, अच्छा प्रार्थना करते, सब कुछ अच्छा था, हम लोग वो नया नया आया वो था। लेकिन पिछले बार जब हम लोग गया, एक साल हो गया, उधर जाके देखा तो वो भाई कैनेडियन बनने के लिए कोशिश किया और इतना कर्जा में डूब गया कि उसका नाक का इधर तक कर्जा डूब गया। अभी डूबने के लिए कितना ही रह गया, इतना सा रह गया, अगर थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो वो कर्जा में डूब कर ही मरेंगे, ऐसा हालत बना दिया। हम लोग उनको बता रहे थे, आपको प्रभु इस कैनेडा में लेके गया, आप पढ़ो लिखो, आपको प्रभु नौकरी भी देगा, आप इन लोगों के बीच में क्या भी कर बन सकता है, प्रभु आपको लेके आए तो प्रभु अपना योजना के अनुसार प्रभु का सेवा भी, प्रभु अपना काम भी आपके द्वारा करेंगे। लेकिन वो प्रभु का काम तो छोड़ दो, अपना जिंदगी को ही वो क्या कर दिया, बर्बाद कर, क्योंकि वो अपना माहौल में क्या नहीं कर पाया, उनका पैर स्थिर ना रहने के कारण वो क्या हो गया, डगमगा के गिर गया। अच्छी तरह ध्यान रखना, इधर जो आप लोग बैठे हुए लोग, आप लोग आज पढ़ाई लिखाई आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे, आप अलग अलग जगहों में पढ़ रहे, अच्छी तरह ध्यान रखना, शायद प्रभु को अपना योजना के अनुसार आपके लिए प्रभु कुछ ना कुछ तो कार्य रखा होगा। लेकिन उस कार्य में प्रभु अगर आपको लेके जाना है तो स्वर्ग को आपके ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा। अगर नहीं है तो प्रभु क्या करेंगे, आपको अपने इच्छाओं पर छोड़ देंगे। इच्छाओं में प्रभु अगर हमारा हाथ छोड़ देंगे तो हमारा जैसे अशुभ
व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम मूसा के बारे में हम देख रहे कि जब एस्तेर को हमने देखा परमेश्वर कैसे उनको इस्तेमाल किया, छुटकारा उनके द्वारा। और ये जो मालूम है, ये जो किताब है, ये जो एस्तेर जो किताब है, इसमें क्या नहीं है, एक बार भी परमेश्वर का नाम क्या नहीं किया गया है, लिखा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में कोई कुछ भी वो जो लिखा, लेकिन परमेश्वर का जो स्क्रीन के पीछे परमेश्वर का जो हाथ का कार्य को हम किधर देख सकते हैं, इस वचन में हम देख सकते हैं। अभी हम एस्तेर को जैसे देखा है वैसे हम वापस आए भजन संहिता 119। हमने देखा है एस्तेर को दिलेरी किधर से मिला, उनके अंदर क्या था, परमेश्वर का वचन उनके व्यवस्था उनके अंदर होने के कारण उस कठिन समय में एस्तेर व्यवस्था के अनुसार रास्ता के लिए किसके चरणों में बैठ गया, परमेश्वर के चरण। परमेश्वर ने बोला क्या करने के लिए, उपवास लेके प्रार्थना करने के लिए, वैसे वो क्या किया, प्रार्थना भी किया। अभी हम वापस आएंगे भजन संहिता 119 में, जो हमने आयत पढ़ा है 105 पढ़िएगा, उधर प्रभु के दास मूसा क्या बोलते हैं, पढ़िएगा 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और मेरे मार्ग के लिए क्या है, जब मैं अंधेरे में रास्ता क्या है मुझे जब मालूम नहीं है, जब मुझे टटोल के जाने का नौबत जब मेरा सामने आते वक्त, जो व्यक्ति अगर मैं अगर परमेश्वर का उस व्यवस्था पर अगर भरोसा रखेंगे तो मुझे वो परमेश्वर का व्यवस्था क्या करेंगे, आगे मैं जो दिशा में मैं जाना है उस दिशा मुझे साफ साफ दिखाएंगे। इधर पढ़िएगा उसके साथ में और आयतों का हम देखते हैं, पढ़िएगा 119 का 9 भी पढ़िएगा, 119 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, इधर ये प्रभु के दास जो मूसा जो इधर लिखते वक्त क्या बोलते हैं, एक जवान, एक और बार पढ़िएगा 119 का 9। हाँ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से, अच्छी तरह ध्यान रखना ये कौन बोल रहा है, राजमहल में सारा सुविधाओं को अनुभव करके राजमहल में रहा हुआ मूसा बता रहे कि एक जवान, ना मूसा बूढ़ा होकर किधर नहीं गया है, राजमहल में नहीं गया मूसा, नौजवानी पूरा किधर बिताया है, किधर बिताया है, आप बोलो किधर बिताया, महल में बिताया, नहीं बिताया, आप लोगों का जैसे नौजवानी पूरा का पूरा मूसा उस समय किधर बिताया है, उधर बिताया। लेकिन उस समय मूसा के पास क्या नहीं है, व्यवस्था वगैरह कुछ भी नहीं है, व्यवस्था हमको मालूम है बाद में परमेश्वर मूसा के द्वारा लिख कर दे दिया, लेकिन उसके पहले इतना ही उनको मालूम है कि परमेश्वर ने हानू के साथ चला, मतलब मूसा का जो जीवन का उधर तक का वो घटनाएं सब, अब्राहम के साथ कैसा रहा, याकूब अब्राहम इसहाक याकूब के साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार किया, वो सब बातें किसको मालूम है, मूसा को अच्छी तरह। वो जो परमेश्वर ने किया हुआ काम, वो सारी बातें अपने दिल में कौन रखा हुआ था, मूसा ने रखा हुआ था। यूसुफ के बारे में, यूसुफ के जीवन के बारे में किसको अच्छी तरह मालूम है, किसको मालूम है, हम इधर बैठे लेकिन किसको भी मालूम था, मूसा को भी मालूम था या नहीं है, हम इधर बैठे हमको मालूम है, लेकिन साथ में किसको भी मालूम है, मूसा को भी अच्छी तरह मालूम है। यूसुफ के जीवन में उनको अच्छी तरह मालूम, अगर यूसुफ राजमहल में रहते, फोतीफर के घर में रहते वक्त अगर फोतीफर का औरत के साथ अगर गलत काम अगर नहीं किया तो मैं जब राजमहल में परमेश्वर ने जब मुझे लेकर आ गया तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी इस गंदगी के साथ क्या नहीं होना, अपने आप को क्या नहीं होने देना, मिलने नहीं देना। यूसुफ फोतीफर के घर में क्या रहा, वफादार रहा नहीं रहा, उधर बोलते कि मैं अपने परमेश्वर का विरुद्ध क्या नहीं करूंगा पाप, परमेश्वर उसको किधर लेके चले गया, किधर लेके चले गया, उधर का स्थान जो ऊंचा स्थान में, मिस्र देश का ऊंचा स्थान में यूसुफ को परमेश्वर लेके चले गया। वही परमेश्वर का जो कार्य को समझने के बाद मूसा ने भी ये निर्णय ले लिया, परमेश्वर ने मुझे सीधा महल के अंदर लेके आया तो मुझे भी अपना पवित्रदाई के लिए क्या रहना है, कड़े होना है।
ध्यान रखे, मूसा के साथ कौन नहीं है? माँ बाप नहीं है, माँ बाप से दूर है। कोई भी राजमहल में जाकर जानकर भी नहीं देख रहे कि मूसा सही सलामत चल रहे नहीं चल रहे। परमेश्वर का भय रख रहे उनको, किसी को उनको क्या है, मूसा को कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मूसा का जीवन को जरा देखे, कोई उनको देख नहीं रहा है, कोई उनको पूछताछ करने के लिए नहीं आ रहे, तो भी मूसा का परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा था। मूसा बोले कि मैं अपना जीवन में क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर को दुख देने वाला काम नहीं कर। इसलिए वो खुद ही निर्णय लिया कि मैं ये महल का सारा सुख को छोड़कर क्या करें, मैं अपना लोगों के साथ क्या करूँगा, कष्ट उठाऊंगा। परमेश्वर बोला नहीं, परमेश्वर बोलने के बिना ही वो क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। इसलिए मूसा ये अनुभवों के बीच में से जाते वक्त क्या बोल रहा है, एक और बार पढ़िएगा, उसका नाव पढ़िएगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे जवान वचन अपना चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार उसको क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। पढ़िएगा 119 का 11 पढ़िएगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इधर मूसा क्या बता रहा है, मैंने तेरे, पढ़िएगा, मैंने तेरे वचन को किधर रखा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे वो वचन को किधर रख दिया, हृदय में। हम लोग ये तो वचन किधर रखा है, हमारा मोबाइल में है ना, सेलफोन में बाइबल का ऐप रखा हुआ है। ये जो ऐसा अच्छा वाला बाइबल हमने किधर रखा है, हमारा बैग में रखा है। लेकिन ये वचन किधर नहीं है, किधर नहीं है, हृदय में ना होने के कारण हम किसका विरुद्ध पाप कर लेते हैं, परमेश्वर का विरुद्ध पाप कर लेते हैं। आपके मोबाइल में 5 या 10 ट्रांसलेशन का बाइबल रहे तो भी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, दुनिया भर का सारा भाषाओं का बाइबल भी होगा, बैग में होने से कोई काम नहीं। लेकिन वो किधर रहना है, हृदय में रहेगा तो आप किससे बचोगे, पाप से बचोगे। उसके आगे पढ़िएगा, उसका 34 पढ़िएगा, इसी इकाई 119 का 34। मुझे समझ दे प्रभु, मुझे क्या दे, समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, तब मैं तेरी व्यवस्था को क्या रहूंगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते, प्रभु मुझे समझ दे ताकि फेसबुक को कैसे चलाना है, व्हाट्सएप को कैसे चलाना है, मुझे आप क्या कर दे, है ना, क्या करें। अभी हम लोग भी क्या प्रार्थना करें, अभी बाकी आप लोग इधर आए होंगे, इधर आते वक्त आप लोग देखे होंगे, बाकी जो लोग बैठ के यूट्यूब में और गूगल सर्च कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, हम बैठ के क्या प्रार्थना, प्रभु मुझे भी समझ दे ताकि मैं भी क्या करूँ, अगला कैम्प में आते वक्त मैं भी अपना लैपटॉप लेके आएंगे, अपना मोबाइल लेके आएंगे, अपना ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इधर प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु आप मुझे किसके लिए समझ देना है, मुझे कुछ भी ये दुनियावी चीज़ों के पीछे क्या नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान किसके लिए चाहिए, मैं क्या करना है। उसमें क्या लिखा है, पढ़िएगा 34। मुझे समझ दे, समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। पूर्ण मन से उस पर चलने के लिए आप मुझे क्या दे, समझ दे करके कौन प्रार्थना कर रहा है, उसका प्रार्थना कर रहा है। आगे पढ़िएगा 119 का 57 से 60 पढ़िएगा, 119 का 57 से 60। यहोवा मेरा भाग है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार क्या चलने का क्या किया है, निश्चय किया। आगे, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया। इधर लिखा मैंने अपने चाल चलन को क्या किया है। अभी आप लोग जब इधर कैंप में आए हैं, आप लोगों का यही प्रार्थना है, प्रभु ये 3 दिन आप लोगों का अकेला जब आपको समय मिल रहा है, अपने चाल चलन को सोचने के लिए आपके पास अच्छा अवसर है। आप लोग जब ये कैंप के बाहर जाएंगे, आप लोग स्कूल का पढ़ाई में, काम में, सब में बिजी रहेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या है, अभी एक अच्छा समय है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने चाल चलन को समझने के लिए आपके पास एक अच्छा समय है। अगर इस समय को अव्यर्थ मानोगे तो परमेश्वर का समय, परमेश्वर जो हमारे लिए नियुक्त किया, वो समय क्या हो जाएगा, हो सकते हमसे चले भी जाए, उसके लिए अवसर नहीं होना है। आगे हम पढ़िएगा उसका जो अगला जो आयत है, हम सब
साठ पढ़िएगा। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। मैंने क्या किया? फुर्ती किया। मैंने तेरे आज्ञाओं को मानने के लिए क्या किया है? हम कितना फुर्ती करते हैं परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने के लिए। वो कौन देख रहा है? स्वर्ग। अगर प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए मेरे अंदर मन ही नहीं है तो फिर परमेश्वर मुझे अपने हाथ में लेगा ही नहीं। हम देखते हैं कि एस्तेर हो गया, मूसा हो गया, इन सबको परमेश्वर क्यों इस्तेमाल किया? परमेश्वर को मालूम है कि इनके अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए क्या है, फुर्ती है या नहीं है। कोई बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप उनके अंदर क्या एक फुर्ती है। उसके बाद में अभी सब लोग मिलकर पढ़ेंगे 119 का 97 से 97 से लेकर 104 तक। अब सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, है ना? एक मिनट रुकना, सब लोग मिलकर पढ़ना है। इसलिए सब लोग अपना बाइबल खोलना है हर एक नौजवानों के लिए। पहले सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, उसके बाद भाई माइक में पढ़ेंगे। अभी सब लोग मिलकर पढ़ेंगे 90 से। आप लोग के पास पंजाबी बाइबल है, कोई दिक्कत नहीं, पंजाबी में ही आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना? शुरू कर दे। अभी ये आयतों को भाई माइक में पढ़े सब लोग ध्यान से, फिर दोबारा वो आयतों को पढ़ना है। आप लोग अपना मुंह से आयत को पढ़ा है वचन में आपको मालूम परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरा वचन कभी खाली, ये वचन आपका जीवन में आशीष भी छोड़कर आ सकता है, ये वचन आपका जीवन में क्या भी छोड़कर आ सकता है, श्राप भी छोड़कर आ सकता है। इसीलिए आपने अपना मुंह से यह वचन को पढ़ा है, अभी हम ध्यान दे, पढ़िएगा। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। कैसे प्रीति, और इंग्लिश में लिखा है ओ हाउ लव आई थाय लॉ। लव मैं आपसे प्रेम, दिल की गहराई से मैं क्या करता हूँ, प्रेम। किससे प्रेम करता है? परमेश्वर का, परमेश्वर का आशीषों से नहीं। मुझे मिला हुआ नौकरी से मैं प्रेम नहीं करता हूँ, मैं जो मिला पैसे से मैं प्रेम नहीं करते। किससे प्रेम करते? परमेश्वर का व्यवस्था से। आगे पढ़िएगा, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर मेरा ध्यान किस पर लगा रहता है? व्यवस्था पर, मोबाइल पे, है ना, व्हाट्सएप पे। मैं बार बार क्या करेंगे, खोल कर देखें, कहीं भी कर, दो सेकंड कहीं मिलेगा तो एकदम फेसबुक का खोल कर देखें, कोई मैसेज तो नहीं आया। व्हाट्सएप में देखें, कोई मैसेज तो नहीं आया। दिन भर हमारा लगन किस में लगे रहता है, है ना? हमारे लिए शायद ये बाइबल का आयतों को थोड़ा अलग निकाल के अभी हम लोग, है ना, एक नया बाइबल लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि, है ना, कि ये सब बातें हमारे जीवन में लागू होता ही नहीं है। हमारे लिए अलग से कुछ व्हाट्सअप फेसबुक का वो सब लगा कर एक नया कुछ लिखना पड़ेगा हमको, है ना। आगे बढ़िएगा, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि मुझे क्या करता है, शत्रुओं से अधिक क्या करता है, बुद्धिमान। किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखे कि आपके आज्ञा। लेकिन हम अपने दुश्मन, हम अपना कॉलेज के बाकी बच्चों से ज़्यादा हम तेज है। किस बातों के लिए, किस बातों के लिए, मैं तो नहीं बोला, आप लोग खुद ही सोच कर, आपको मालूम है ना हम क्या सोचते, मैं मेरा दोस्त से भी ज़्यादा बढ़िया मोबाइल लेकर मैं उसमें क्या बनूंगा, बुद्धिमान बनूंगा। वचन का तो कुछ भी नहीं आता है हमको, है ना। आगे बढ़िएगा, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। वो सदा मेरे मन में रहती है। आगे, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। मैं अपने सब शिक्षकों टीचर से ज्यादा क्या रखता हूँ। मैं तो कुछ नहीं बोले वचन, है ना, आप लोग बोलने की जरूरत नहीं है ना, आपको समझ में आएगा हम कितना समझ रखता है, है ना। आगे पढ़िएगा, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान तेरे चितौनियों पर लगा है। आगे, मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ। मैं पुर्नियों से क्या हूँ, किस बात के, क्योंकि आगे पढ़िएगा, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैं तेरे उपदेशों को क्या किया है, लेकिन हम अपना वर्शन में क्या लिखेंगे, हमारा अपना नया बाइबल वर्शन में क्या लिखेंगे, मैं अपने
पुर्नियों से ज़्यादा समझदार हूँ। मेरा पापा मम्मी को मोबाइल चलाना नहीं आता है, लैपटॉप चलाना नहीं आता है, उनको कुछ भी नहीं आते, मुझे ये सब कुछ आते, मैं उनसे ज़्यादा क्या हो समझदार हूँ, है ना। ऐसे ही आएगा ना, हमारा वर्जन का बाइबल ऐसे ही आएगा, है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन इधर क्या बोले कि मैं अपने पुर्नियों से, पुरखाओं से, जो बुजुर्ग लोगों से मैं क्या ज़्यादा समझ, कैसे बनी मेरा नौजवानी में ही मैं इतना समझदार कैसे बन गया, क्योंकि मैं परमेश्वर का व्यवस्था को क्या करता हूँ, पालन करता हूँ, मैं उसके अनुसार चलता हूँ। आगे पढ़िएगा, मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। मैंने अपने पांव को, परमेश्वर ने नहीं रोका है, कौन रोका है, मैंने रोका या परमेश्वर ने रोका है बुरे रास्ते से, मैंने खुद रखे। हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो इच्छा था चलने के लिए, लेकिन क्या करूं, शैतान मेरे पैर पकड़ के मुझे नीचे गिरा, है ना। हम किसके ऊपर दोष लगा देते हैं, बोलते परमेश्वर आप चाहिए तो, आप मुझे प्रेम करते तो मुझे क्या करना था, बुरा रास्ते से रोकना, परमेश्वर नहीं करते भाई। रुकना किसका काम है, मेरा काम है या परमेश्वर का काम है, किसका काम है, मेरा काम है कि बुरे रास्ते से मैं क्या करना है, बस। एक और बार पढ़िएगा उसका, मैंने अपने पांवों को, पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, बुरे रास्तों से मैंने रोक के रखा है। आगे पढ़िएगा, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, जिससे मैं क्या करूं प्रभु, आपके वचन के अनुसार मुझे क्या करना है, चलना है। मैंने निर्णय लिया है मुझे क्या करना है, ये पाप भरा रास्ता नहीं चाहिए। आगे पढ़िएगा, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है, तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। आगे, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हाँ, इधर ये है बात, इधर लिखा है कि परमेश्वर का वचन है ना, ये लिखने वाला प्रभु का दास के लिए क्या है, बोल रहे कि ये मूसा बता रहे कि तेरे वचन मेरे लिए क्या है, जितना उनको मालूम था राजमहल में भी उस बातों में वो वफादार रहने के कारण मालूम है, परमेश्वर ने अपना पवित्र व्यवस्था मूसा के द्वारा दुनिया को दे दिया। किसके द्वारा दिया है, मूसा के द्वारा। वो कितना गंभीर बात है, मूसा की आज्ञाएं करके भी कभी कभी वो पुराना व्यवस्था को बताते नहीं, बताते मूसा का व्यवस्था बोलते। स्वर्ग को ये प्रसन्न हुआ कि वो व्यवस्था का आगे किसका नाम भी जोड़ दिया, मूसा का नाम जोड़ दिया। अगर ऐसा है तो मैं और आप इधर बैठे हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन कितना मीठा है। आपको मालूम है पंजाब में मिठाई मिलते नहीं मिलते, आप बोलो। आप केरला में जाओ तो सब फीका फीका रहता है, इसलिए पंजाब के लोग है ना, केरला में आते वक्त बहुत दिक्कत है कि चाय में भी मिठाई नहीं है और उधर कुछ भी करते, सिर्फ एक लड्डू मिलते हैं मुश्किल से, बाकी सब फीका फीका रहता है। लेकिन पंजाब में आए तो सब मीठे मीठे ही खाते, कोई भी मिठाई ले लो सब में क्या रहता है, गुड़ भी रहेगा, चीनी भी रहेगा, घी भी अच्छे से डाल के बनता है। अगर इधर का जो काम, ये इतना मीठा सब कुछ खाएंगे उतना अच्छा काम भी करते। अगर ऐसा है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये जो वचन मेरे लिए आपके लिए अगर मीठा है तो हम इसको बार बार क्या करें, खाएंगे नहीं खाएंगे, ये हमें क्या भी देगा, ताकत भी देगा। इसको छोड़ने का हमें कभी मन नहीं करे, मीठा चीज़ छोड़ने का मन करेगा क्या, चुप चुप कर भी कर, आपको आप लोग देखा होगा ना, शुगर पेशेंट लोगों को देखा होगा, नहीं खाना बोले तो भी चुप चुप कर क्या करेंगे, खाते ही रहेंगे, है ना। कैसे ना कैसे, अगर ये हमारे पास अगर दो एक लड्डू लेके आएंगे तो हम सोचेंगे अगर कोई नहीं कहे मैं दो उठाएंगे, है ना। हमारे मन करते कि मीठा चीज़ छोड़ने का हमें क्या नहीं होते, मन नहीं करते, है ना। वैसे ही अगर ये परमेश्वर का वचन अगर सचमुच में मेरे लिए मीठा है तो, इधर आगे क्या लिखे पढ़िएगा उसका, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, मीठे लगते हैं, वे मेरे मुँह में मधु से भी मीठे हैं, मेरे मुँह में मधु से भी क्या है। लेकिन हमारे लिए कभी कभी क्या, परमेश्वर का वचन इतना कड़वी होती है कि, यानी आप में से कितने लोग करेले को पसंद करते हैं, कितने लोग मुश्किल, अभी तो सब लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं तो क्या हो जाएंगे, है ना। हम तो बोलते हैं या इधर आप लोग खाते हैं जो करेले के अंदर वो जो कुछ भरते हैं ना, ऐसे खाने में टेस्ट रहते हैं। उस समय क्या करते, उसको जितने कड़वापन, उसको नमक का पानी में डुबा दिया बेचारों को, क्या क्या करके उसका सारा क्या कर देते, सारा गुड़ निकालने के बाद हम फ्राई करके आएंगे तब अच्छा लगता है। लेकिन उसका सारी ताकत कड़वापन के साथ हम कोई भी क्या नहीं करेंगे, करेले का सब्जी तो सबको मुंह क्या हो जाएंगे, शक्ल ही बदलना शुरू हो जाते हैं, है ना। लेकिन मीठा चीज़ें तो जल्दी जल्दी खाएंगे। ये वचन बहुत बार जब हमारे जीवन में पाप राज्य करते वक्त हमारे लिए करेले की तरह क्या हो जाते हैं, कड़वा
हम उसको खाने ही पसंद नहीं करते, लेकिन ध्यान रखना ये वचन जितना हम खाते जाएंगे उतना हमें क्या भी मिलता जाएगा, ताकत भी मिलता जाएगा। आगे पढ़िएगा, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। तेरे उपदेशों के कारण मैं क्या बन जाता हूँ? समझदार हो जाता। आगे, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से, इधर लिखा है फॉल्स वे, हर एक बुरे मार्गों से, गलत मार्गों से मैं क्या करता, घृणा। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे, ये वचन, अगर ये वचन के अनुसार हम चलेंगे तो ही ये वचन हमारे लिए क्या बनेगा, ज्योति बनेगा। ये वचन हमें ज्योति पर चलाना है, हम अपने ताकत से नहीं चल सकते। अगर हमारे अंदर इस वचन के अनुसार चलने के लिए जब इच्छा है तो स्वर्ग भी हमें क्या करेंगे, हमें अपना कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्वर्ग को हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने आप में एक सवाल पूछें, जैसे एस्तेर के ऊपर स्वर्ग को भरोसा था, जैसे मूसा के ऊपर स्वर्ग को भरोसा था, वैसे क्या आज स्वर्ग को मेरे ऊपर भरोसा है? सर्वज्ञानी परमेश्वर को मूसा के ऊपर भरोसा होने के कारण उसको राजमहल में, फरो का महल के अंदर ले गया, एस्तेर को ले गया, उस बाबिलोनी महल के अंदर लेके चले गया। इधर कोई विश्वासी नहीं है, दोनों को जरा देखिए, कोई विश्वासी नहीं है साथ में, अपने विश्वास की कोई बातें खुले खुले तौर पर किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल भिन्न एक माहौल में दोनों रह रहा है, फिर भी स्वर्ग का नजर उन पर पड़ा, परमेश्वर को भरोसा था कि अगर मैं, अगर उनको उधर ले जाएंगे तो भी ये मेरे रास्ते से नहीं हटेंगे, मेरे काम को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्या आज स्वर्ग से परमेश्वर देखते वक्त आपके ऊपर भी स्वर्ग को वही भरोसा है? चाहे इनके जीवन में कितना भी बीमारी आने दो, कितना भी परेशानी आने दो, कितना भी पाप का परिचय आने दो, चाहे पूरे लोग, पूरा पंजाब के लोग विश्वास छोड़ के हटने दो, कलीसिया के लोग पूरे ठंडा रहने दो, मैं अपना विश्वास के लिए, विश्वास के लिए खड़ी हो जाऊंगी, मैं अपना विश्वास के लिए खड़े हो जाऊंगा। हालेलुया। धोना बहत निबश्या नबालब। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और किसी को नहीं देखना, मैं बगल में बैठा हुआ भाई विश्वास के लिए खड़े हो या ना हो, मेरे साथ में पढ़ने वाला बच्चे विश्वास के लिए खड़े हो या ना हो, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं परमेश्वर के लिए खड़े हो जाऊंगी। मुझे मिला हुआ विश्वास के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अपने पैर को पाप करने से रोकेंगे। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर बोला नहीं तुम ये गलत काम नहीं करना, मूसा को परमेश्वर ये नहीं बोला कि तुमने राजमहल छोड़ना है, एस्तेर को परमेश्वर नहीं बोला कि तुम उपवास लेके प्रार्थना करो, नहीं, इन लोगों ने खुद निर्णय लिया परमेश्वर को भरोसा रखते हुए। अगर ये वचन पर अगर आप भरोसा करेंगे, इस वचन को मनन करते रहेंगे तो सही समय पर क्या निर्णय लेना है, स्वर्ग आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग को आपके ऊपर भरोसा है तो स्वर्ग बताएंगे अगला क्या करना है। हालेलुया। पूरा बश्यंदो ने बना बालबा रे बाला बाउडश्यंदो राधे न बाउडश्या न बालबा पूरा बाला बाउडश्या न बखंदुरे बना बाला बश्या न। हालेलुया, 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 हालेलुया।